कि मेरे साथ धोखा हुआ है। रिलेशन भी लाइव आके बोला था ना कि हाँ मेरी बहन 10 तारीख को आए थे लाइव और 10 तारीख को आए थे और डायरेक्टली उन्होंने चैट दिखाई थी क्योंकि 10 को मेरे भाई का बर्थडे था तो मुझे याद है 10th नवंबर 10 को तो ये 3 दिन का गैप था और 3 दिन के गैप में ये प्लानिंग चल रही थी कि हम मिलेंगे हम फिर जो भी चीजें हैं वो हमने जो भी सोशल मीडिया पे देखा वही देखा है। मैं आपको बता रही हूँ जब इनकी इनका कन्वर्सेशन मेरे से हुआ ना और लिटरली मैं भी जानती थी कि भाई बहन मेरे को तो ऐसा बिल्कुल था नहीं मैं ब्लॉग्स देखती नहीं थी तो मुझे लगा जब इनका कॉल आया मेरे सामने पे कि अलका दीदी ऐसी सी बात हो गई है और मैं उसको इस यूट्यूब से मिटा दूंगा नस्तनाबूद कर दूंगा यहाँ से मैं ही लाया हूँ मैं उसको जड़ से उखाड़ हमके कूल डाउन भाई क्या हो गया तो मैंने चीजों को शॉर्ट आउट करने की कोशिश की कि इन लोगों का मैटर एक बार पहले भी हुआ था तो मैंने ऑफलाइन ही शॉर्ट आउट कर दिया था सोशल मीडिया पे किसी को जो भी नहीं आया था कि हाँ कुछ मैटर हुआ है रातों रात वीडियोस हट गई थी कंट्रोवर्सी रातों रात खत्म कर दी गई थी तो मैंने कहा चलो ये भी मैटर है इसको भी ऑफलाइन ही शॉर्ट आउट कर देंगे। फिर जो है मैंने जब बात किया तो बोला आप लोग आप उनको कॉल पे लो मैंने कहा ठीक है मैं बात कर लेती हूँ तो जो लड़की थी ना वो लिटरली बताऊंगी मैं सच बोलूंगी वो लड़की बात करने में इंटरेस्ट नहीं थी मैंने कॉल किया तो बोली नहीं अलका मुझे नहीं बात करना कहती थी प्लीज एक बार मेरे लिए बात करो क्या मैटर है आप लोग का आप लोग उसको शॉर्ट आउट करो ना तो बोलने की मुझे बात नहीं करनी अलका हमने कहा कोई बात नहीं आप मेरे लिए बात करो आप इस मैटर को ऑफ करो। फिर जो है लड़की ने बात की कॉन्फ्रेंस कॉल पे अब कॉन्फ्रेंस कॉल में बात कहां शुरू होती है जो हाय हेलो आपको मैं इससे डीपली बता रही हूँ कि मिताली जी आप चीजों को समझिएगा और मैं ये चाहूंगी दिल से कि आप शायद इस मैटर को ठीक कर सकते हैं दो फैमिली बिगड़ रही है उसको शायद बचा सकते हैं और सबको सबकी जगह अपनी अपनी जगह पहुंच जाए मैं इतनी क्योंकि आपका मैंने बहुत सारे केसेस देखे आप इतने सारे इन्वॉल्व किए हैं इसलिए मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। तो इस मैटर को फिर जब मुझे पता चला तो मैंने देखिए मैं भी साइकोलॉजिकल तरीके से समझ के इन लोगों को इस मैटर को शॉर्ट आउट करना चाह रही थी। बात ही पता चला कि लड़के ने एक लाइन निकाली कि जान नहीं रह पाऊंगा जान तो मेरे को बड़ा ऑड लगा मैंने कहा भाई बहन में ऐसी लैंग्वेज कैसे आ गई तो मैंने मेरे को ठनका तो मैंने कहा मैं डायरेक्ट पूछ भी नहीं सकती थी कि आप लोगों में ऐसा कुछ चल रहा है क्या। तो जब इन लोगों की बातें बढ़ी कि आपने ऐसा मेरे साथ किया तो बोले नहीं जान मैं नहीं जी सकता तुम्हारे मैं ऐसे कुछ बातें हो रही थी मुझे ये क्या चल रहा है लोगों में तो बोला हाँ मैं करूंगा तो मैंने कहा शादी करना है हमने कहा नेहा दे आपका क्या सीन है शादी वो कुछ भी उस समय रिप्लाई नहीं की बोली कुछ बोला ही नहीं उसने उन्होंने फोन काट दिया। फिर लड़के ने बोला कि दीदी उनको ऐड करो कॉल पे हमने कहा पहले मुझे मैटर जानना है ये मैटर क्या चल रहा है बोला आप ऐड करो तभी बताऊंगा। फिर उनका कॉल मैंने ऐड किया मैंने कहा प्लीज आप पहले पूरी बात खत्म करके जाओ क्योंकि मैं आधा अधूरा बात सुनी हूँ मुझे क्लियर करना है बात क्या चल रही है। सोशल मीडिया से आज के 3 महीने पहले इसी बातों को लेकर ट्रोलिंग चल रही थी अब वो दो लोग के बीच की बात रिएक्शन चैनल वालों के पास कैसे गई नहीं पता किसने लीक किया नहीं पता वो जो बातें आज हो रही हैं वो बातें 3 महीने पहले रिएक्शन चैनल वालों के पास जा चुकी थी कि इन लोगों में रिलेशन है ये लोग होटलों में मिलते हैं ब्ला ब्ला ब्ला। मैंने जब जाना तो मैंने कहा कि अच्छा आप शादी करेंगे फिर दोबारा बात हुई बहुत सारी बातें इन लोगों में आपस की गिले शिफे दूर हुए तो फिर मैंने कहा कि नेहा दीदी आप तैयार हो शादी के लिए तो बोली कि पहले बोल नहीं रही थी फिर बोली कि हाँ ठीक है मैंने कहा ठीक है शादी करेंगी आप तो बोली हाँ ठीक है यही उनका वर्डिंग था हाँ ठीक है मैंने कहा आप दुनिया समाज को झेल लेंगी तो इधर से जवाब आया कि हाँ मैं सब कर लूंगा हमने कहा समाज से बहिष्कारित कर दिए जाओगे बोला मैं दुनिया से चला जाऊंगा लेकर के और मैं यूट्यूब सब छोड़ दूंगा। मैंने कहा यार ये तो बड़ा सीरियस मैटर है अब बताइए मिताली जी इस कंडीशन में क्या मुझे डायरेक्ट वॉर करना चाहिए या मुझे पोलाइटली बातों को समझ के धीरे से स्किल में इनको लाइन पे लाना चाहिए आप प्लीज बताइए मुझे उस कंडीशन में आप होते तो क्या करती। बिल्कुल देखो इसमें क्या है ना कि एक इंसान का दिल टूटा है ठीक है उसको लॉजिक समझ नहीं आ रहा उसको सही गलत समझ नहीं आ रहा उसको ये नहीं समझ आ रहा कि यूट्यूब फैमिली है मेरी खुद की फैमिली है मेरी खुद की बीवी है उसको क्या होगा उस बीवी की भी फैमिली है उसके भी भाई बहन है मतलब समाज है दुनिया है नहीं आओगे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि लड़की और लड़के में बात होती थी अब लड़की ने सारी बातें बता दी कि मेरा इस दिन एंगेजमेंट है इस दिन मेरा वेन्यू है ये टाइमिंग है और उससे ऑफिशियली किसी को नहीं बताया कि मैंने बताया है अब लड़की। तो गाइज आप सभी को पता है कल अलका लाइव आई थी और उस लाइव में सचिन की बहन भी जुड़ी हुई थी क्योंकि अलका ने बहुत सारे जो बड़े बड़े समाजसेवी वकील वगैरह हैं लॉयर वगैरह हैं उनसे कंसल्ट किया था कि इस केस को किस तरह से
बंद किया जाए। हालांकि कंट्रोवर्सी रुकने का नाम नहीं ले रही थी और नेहा की तरफ से कोई भी नहीं बोल रहा था, तो अलका और पूनम ने नेहा का साइड लिया था। हालांकि अलका और पूनम इस कंट्रोवर्सी को बंद करना चाह रही थी, बट यहाँ सचिन के परिवार वाले मतलब रोज़ वीडियो पे वीडियो बनाते थे, इसी वजह से उन्होंने इनके ऊपर लीगल एक्शन ले लिया था, जिसकी वजह से सचिन का पूरा फैमिली भोपाल में चला गया था और उन्हें वीडियो वगैरह मतलब इस कंट्रोवर्सी से रिलेटेड वीडियो वगैरह बनाने से बंद मतलब मना कर दिया गया था, जिसकी वजह से अभी जो भी वीडियो आ रहे थे मनीषा और सचिन के जो नॉर्मल आ रहे थे और इस कंट्रोवर्सी का उसमें कोई भी नामो निशान नहीं था। हालांकि उनके थंबनेल इसी तरह के हो रहे थे, बट फिर भी अलका का यही कहना था कि हम चाहते हैं कि दोनों परिवारों को न्याय मिले, क्योंकि सचिन तो मनीषा के पास जा चुका है, वो अपनी फैमिली दोबारा से मतलब हंसी खुशी से बिता लेगा, लेकिन जस्टिस नहीं मिलेगा फिर तासी को और नेहा को। अब नेहा की जो एंगेजमेंट थी वो टूटने वाली थी, शादी होना नहीं हो पा रही थी, तो वो ये जो भी चीज़ें कर रहे थे वो सुमित मल्हान के लिए कर रहे थे और वो कह रहे थे कि ये शादी ना टूटे और नेहा भी अपनी लाइफ में मूव ऑन हो जाए और अपनी नई लाइफ बसा ले। बट जो भी चीज़ें हुई उसके बीच में ही सचिन की बहन आई और सचिन की बहन ने अलका जायसवाल को काफ़ी ज़्यादा आरोपों से घेर दिया। उनका कहना था कि हाँ पर मनीषा भाभी को आपने जो बोला है वो बहुत ज़्यादा गलत हुआ है कि मनीषा भाभी भी इस सब चीज़ों में मिली हुई थी। तो वहीं पर अलका ने कहा मुझे ये सब कुछ इसलिए लगा क्योंकि जो अपने पति का इतना ज़्यादा फेयर कर रही है, अपने पति को बचाने की कोशिश कर रही है, तो मुझे लगता है पूरा फैमिली ही मिला हुआ है गुस्से में और मैं क्या बोलूं? मुझे लगता है मनीषा के साथ गलत हुआ है तो उसको न्याय मिलना चाहिए, बट सचिन ने जो किया है वो बहुत ज़्यादा गलत किया है। नेहा की एंगेजमेंट होने वाली थी, इसी समय पर इस मुद्दे को क्यों उठाया गया? तो उसी समय पर मिताली नाम की एक जो भी समाजसेवी या वकील थी वो भी यही कह रही थी जो भी चीज़ें हुई है बहुत ज़्यादा गलत हुई है और इसके ऊपर FIR होना निश्चित था, ब्लैकमेलिंग का केस हो सकता था इसमें और ये सब कुछ गलत है, किसी भी पब्लिक या जो पर्सनल चीज़ें होते हैं वो पब्लिक प्लेस पर इस तरह से उछालना बहुत ही ज़्यादा गलत है और एक लड़की को किस तरह से डिफेम किया गया है सोशल मीडिया के ऊपर, इसकी भरपाई तो इनके फैमिली को और इसको करनी ही पड़ेगी। जो भी चीज़ें हुई हैं, अभी नेहा का वीडियो आया है आज लगभग 6-7 घंटे पहले और उसमें उसने बताया है मेरा सब कुछ उजड़ गया, अब तो मुझे जीने दो। और सुमित मल्हान ने शायद एंगेजमेंट जो थी शादी थी वो टूट गई है, बहुत सारे लोग कल तक यही कह रहे थे शायद अलका जायसवाल इस शादी को बचा लेगी और नेहा की शादी हो जाएगी, शायद दोबारा से इनकी लाइफ अच्छी हो जाएगी और दोनों परिवारों की लाइफ बेटर हो जाएगी, क्योंकि गलती होती है और उसमें जब इंसान सुधार कर लेता है तो चलो उस गलती को गलती नहीं मानते हैं, बट अभी जो नेहा की कंडीशन है वो काफ़ी ज़्यादा रो रही थी और यही कह रही थी जो आप चाहते थे वो हो गया है, अब तो आप खुश हो जाओ। तो लगता है शायद सुमित मल्हान से उनकी शादी टूट चुकी है। आपकी क्या राय है जरूर बताना कमेंट बॉक्स में।